उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ जहां वैक्सीन लगाओ महाअभियान चला करके लोगों को वैक्सीन लगा रही है, तो वहीं डॉक्टर इस अभियान में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने इस महाअभियान में मुर्दों को भी वैक्सीन लगाने का काम जोरों पर चला रखा है। ताजा मामला महोबा जिले के स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसमें वैक्सीन मुर्दे को भी लगाई गई है। ये सुनकर सभी चौंक गए हैं, लेकिन जांच में इस बात का पता चला कि डॉक्टर ने कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज भी उसी मुर्दे को लगा दी है। अब पूरे स्वास्थ्य विभाग में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है और सभी स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली के साथ साथ प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में इस मैटर को समझने के लिए पहले मृत्यु प्रमाण पत्र देखिए। ये मृत्यु प्रमाण पत्र 41 वर्ष की महिला हेमलता का है, जिनकी मृत्यु 21 सितंबर 2021 को हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें 17 जनवरी 2022 को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगा दी है, जबकि महिला मृत हो चुकी है। अब ऐसे में एक मैसेज है जिसे लगातार वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो उसी जिले का है जिस जिले में ये घटना हुई है। महोबा के चिकित्सा अधिकारी यानी CMS डॉक्टर सुधाकर पांडे ने इस गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने मेगा वैक्सीनेशन कैंप में चल रहे सभी वैक्सीनेशन कैंप का निरीक्षण करने का आदेश भी दे दिया है। उनका कहना है कि जल्दी ही इस गलती को सही कराया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम देवपाल सिंह यादव। क्या हो गया कोरोना को लेकर आपने? सर हमने 10 जुलाई में दोनों पति पत्नी हेमलता और देवपाल सिंह यादव दोनों गए थे सरकारी अस्पताल श्रीनगर में, वहीं पर हमको लगी थी वैक्सीन। इसके बाद हमारी घरवाली का सिर दर्द होने लगा, वो सिर दर्द होने के बाद हमने उनका इलाज कराया, पहले यहीं श्रीनगर में कराया, इसके बाद महोबा में ले गए, तो महोबा से रेफर उन्होंने झांसी में कर दिया और झांसी में उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी मृत्यु? 21 सितंबर 21 सितंबर को। फिर अभी क्या हुआ है? अभी 17 जनवरी को हमारे भतीजे के मोबाइल में मैसेज आया कि उनको दूसरी डोज लगी है और जो कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या लग रहा है, लापरवाही है? किसकी लापरवाही है? अब इसमें लापरवाही तो है ही, जब जो आदमी है ही नहीं है तो उसको कहां से लग गई वैक्सीन। क्या नाम भैया? मेरा नाम सौरभ यादव है। कोरोना वैक्सीन का मामला क्या है यहाँ? ये मेरे चाचा जी हैं देवपाल यादव और चाची थी हेमलता यादव, इन लोगों को सरकारी अस्पताल श्रीनगर में वैक्सीन लगवाई, ठीक है, 10 जुलाई को। इसके बाद उनकी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी, जिसके उपरांत हम लोग उपचार के लिए जिला अस्पताल महोबा लेकर गए, उसके बाद वहां से रेफर कर दिया गया झांसी। झांसी में जब ज़्यादा तबीयत खराब हुई, उसके बाद उनका शाम को एक्सपायर हो गई वो। उसके बाद 21 सितंबर को वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद मेरे पास 15 जनवरी को कॉल वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आता है कि वैक्सीन लगी है उनको या नहीं लगी है। वैक्सीन वेरिफिकेशन के दौरान मैंने उनको जबकि जानकारी दे दी थी कि वो एक्सपायर हो चुकी हैं। उसके बाद 17 जनवरी को मेरे पास मैसेज आता है कि उनको सेकेंड डोज लग चुकी है। जो व्यक्ति एक्सपायर हो चुका है उसको वैक्सीन कैसे लग सकती है? इसमें स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग मृत लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। ये अब सरकार की वो कहें कि हाँ सरकार की गलती है या प्रशासन की गलती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? आप जो कह रहे हैं, जो मुझे अभी तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको दिखवा लेंगे। चूँकि इस तरह के, चूँकि मास हमारा मेगा वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है, गांव-गांव घर घर लोग विजिट कर रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, तो चूँकि एक मोबाइल नंबर जो है से 4 लोगों को फीडिंग होती है, और अगर कोई बताता है कि हमारा मोबाइल नंबर ये है तो कभी कभी कन्फ्यूज़न में कोई नंबर और डायल हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो सकता है, तो मैं इसकी जांच करा लूँगा अगर कोई ऐसा कुछ पाया जाता है तो। मैं सर जो है, जैसे कि मामला अभी मीडिया में भी एक सुर्खियाँ बटोरे हुए हैं और लोग बता रहे हैं कि ऐसे कई और मामले आ सकते हैं, और
जो मुर्दों को वैक्सीन लगा दी गई है, क्या स्वास्थ्य महकमे की बड़ी कमी है या इस पर किस प्रकार की कठिन कार्रवाई अमल में लाएगी? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग बहुत ही मतलब कि हम 20,000 से आसपास वैक्सीनेशन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में 25 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन हो रहा है, तो मेगा कैंप चल रहा है। हम घर घर गाँव गाँव जा रहे हैं और सभी नीडी को हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और अगर ऐसी कोई त्रुटि है या कंप्यूटर की मिस्टेक है उसको संज्ञान में लेकर के उसका सही करा दूँगा, इसमें कोई बात नहीं है। बहुत आप लोग सहयोग करिए मेगा कैंप में। धन्यवाद।